की विशेष खबरों में मैं शीतल दुबे। राजमहल प्रखंड के क्षेत्र में बीती रात इतनी बारिश और आंधी तूफान आई कि सारी चीजों को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिससे कि एक ऐतिहासिक जगह बाढ़ का पानी घुस गया। सैकड़ों एकड़ खेत भी जलमग्न हो रहे हैं। प्रशासन ने इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। ग्राम हसन टोला पर्यटकों को लौटाया जा रहा है। दुकानें भी हटा दी गई हैं और नौकायन भी बंद करा दिया गया है। रविवार की शाम 6 बजे गंगा प्रति घंटे 2 सेंटीमीटर की रफ्तार से बढ़कर 70.42 मीटर पर पहुंच गई। अगर यही रफ्तार रही तो गंगा जल्द ही खतरे का निशान भी पार कर सकती है। हालांकि सोमवार सुबह 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे बढ़ाव की गति होने से अब खतरे के निशान तक पहुंचने में 48 घंटे तक लग सकते हैं। वैसे गाजीपुर और बलिया में जल स्तर खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है। बाढ़ की स्थिति बहुत भयानक है। अभी 48 घंटे के अंदर बाढ़ का जल स्तर इतना ऊपर आ गया है। अगर यही स्थिति रही तो 48 और किस्त के बीच दिए